जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और सुरक्षा मुद्दा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल हमेशा से केंद्र सरकार भी और आम लोग भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी प्रिज्म के ज़रिए ही देखते हैं। जब भी कोई यहाँ पर कोई अगर कोई इवेंट हो या फेस्टिवल हो तो हमेशा सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। यही बात अब चुनावों को लेकर भी है। नमस्कार, कश्मीर से चुनावी डायरी पे आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की कि क्या हालात हैं और चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनज़र क्या सुरक्षा के इंतज़ाम जो हैं वो प्रशासन कर रही है और इलेक्शन कमीशन कर रही है। दरअसल आज अभी हम सोनावर रोड पर खड़े हुए हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर VVIPs जो हैं आसपास रहते हैं। जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनका घर भी 200 मीटर की दूरी पर है। UN का ऑफिस बिल्कुल पीछे है, लेकिन बावजूद इसके इस इलाके ने भी अपने शहर का आतंक देखा है। अभी हम खड़े हुए हैं कृष्णा ढाबे के बाहर। ये वो कृष्णा ढाबा है जहां पर 2021 में एक टारगेटेड किलिंग हुई थी, जो ओनर है यहां के उनके बेटे की। तो आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं से कि क्या हालात वहां पर बदले हैं, कि बेहतर हैं हालात या नहीं। तो चलिए मिलते हैं और कुछ आगे अंदर जाके लोगों से भी सियासी चर्चा कर लेते हैं। तो हम हैं अभी यहाँ पर कृष्णा वैष्णो ढाबे पर। ये शाकाहारी ढाबा है। यहाँ पे जो भी लोग शुद्ध शाकाहारी खाना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये इलाका जो है, जैसे कि हमने बोला कि ये इलाका VIP इलाका माना जाता है और यहाँ पर इस इलाके में थोड़ी दूर जाकर ही UN का ऑफिस है। सुरक्षा के, क्योंकि इलेक्शन है तो उसके चलते जो बंदोबस्त हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कुछ और किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं SSB के लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो आतंक इस इलाके ने देखा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सर नमस्कार, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। तो मेरा नाम रमेश कुमार है। हाँ, आप बताएं कि यहाँ पे क्या हालत, जो हमने देखा 2021 में जो यहाँ पर एक घटना घटी थी, उसके बाद से अब तक क्या बदला है और तब क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था आपके परिवार में से फैमिली मेंबर के ऊपर ही? मेरे बेटे पे ही हुआ। तो क्या मतलब थोड़ा बताएं कैसे हुआ? कोई बदलाव नहीं जी, बस यहीं से दो लड़के आए। शाम पे बैठा था वो? हाँ, यहीं पे खड़ा था काउंटर पे। शाम का टाइम था, 7:10 थे। तो दो लड़के आए, मेनू उठाया, उसने पूछा भैया क्या चाहिए। उसने जैसे मुंह इधर किया तो लड़कों दूसरे लड़के ने शूट कर दिया। तो तब कैमरा था CCTV? जी हाँ। तो मतलब उनकी शक्ल वक्ल आ गई? हाँ, शक्ल वक्ल आ गई थी। तो वो पुलिस वाले आए, वो साहब DVR CVR निकाल के ले गए हैं, तो वो तो हमें पता ही नहीं। वो अरेस्ट हैं लड़के, तो अरेस्ट हैं जी। तब से उसके बाद आपने काफी देर ये ढाबा बंद रखा था, फिर खोला? कुदरती बात है जी, कुछ ऐसा होता है कि हमारे हिंदुओं में तो आपको पता ही है कि हमें तो 2 महीने लग जाते हैं कि हरिद्वार जाना है, आगे फिर जाना है, फिर वो सारा काम निपटा के फिर उसके बाद ही खोला था। वो भी कश्मीर से सब आए थे हमारे पास, जम्मू में गर्मी हमारे सारे आए थे, जितने भी थे यहाँ पर वॉलंटियर, जितने भी हैं एजेंसी वाले, जो भी हैं यहाँ पर टूरिज्म वाले हैं, ये सब आए थे गर्मी हमारे पास। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने खोलना है, बंद नहीं करना है। मैं सोचेंगे तो चलो करना तो है ही था, आगे खोल लिया। तो 2-3 साल हो गए सर, आपको क्या लगता है कुछ सिचुएशन चेंज हुई है? कुछ नहीं लगता जी, ठीक है, जैसा चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा जी, बस ये कौन है आप, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा एहतियात लेते उसके बाद? हाँ, तब से बस सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद ही सिक्योरिटी लगी थी यहाँ पर, बस तब से लगी हुई। अब इलेक्शन जैसे हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मतलब कुछ हालात बदलेंगे या मतलब के जम्मू कश्मीर के नाते? देखिए जी, इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। हाँ। इलेक्शन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मतलब ये मैं पूछ रही हूँ कि उसके लिए मतलब होने अच्छी बात है? नहीं, इलेक्शन होने तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आती है, अपने नुमाइंदे आते हैं, तो अपना काम जो करना है वो आदमी कर सकता है। कोई पूछने आएगा, कोई बोलने आएगा। मेरा वोट तो जम्मू में है। जम्मू में? जम्मू जाएंगे वोट करने? देखेंगे, जरूर तो नहीं महसूस करते। हाँ। कि आप इन पॉलिटिशियन से दिल भर गए हैं। दिल भर गए। और जो पिछले साल से 10 साल से जैसे BJP की सरकार थी और
यहाँ पे तो ज्यादातर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ही प्रशासन रहा है और उन्होंने दावे किए हैं कि काफी कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया है, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? मैम अगर इतना कुछ किया होता तो ये कुछ नहीं होता, इतना कुछ नहीं होता, ये उसी 10 साल में हुआ मेरे साथ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। उसके पहले अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, हमने वो दौर देखे जब हर आदमी के हाथ में गन थी यहाँ पर, तो ये उसके बाद ही हुआ है मेरे साथ। आपने ये ढाबा कब खोला था सर? ये 85 में खोला था। तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना जो है वो मिलता है, लोग जो हैं शाकाहारी खाना ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से हो? मैं जी पुणे महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आए हो? हाँ जी। और यहाँ पे घूमने आए? हाँ हाँ, आई एम अ टूरिस्ट हियर, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, ये मेरा दूसरा दिन है श्रीनगर में। और कल भी मैं यही खाने आया था और आज भी यही खाने आया हूँ। अच्छा, क्या खाया? आज मैंने खाया जी दम आलू राजमा चावल। अरे वाह। हाँ जी। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाली सिचुएशन भी हम लोग देखते रहते हैं हेडलाइंस में, क्या छप रहा है, उसके बावजूद आप महाराष्ट्र से यहाँ घूमने आए, सिक्योर फील हुआ? बहुत बहुत बिल्कुल। मुझे, मैं एक्चुअली परी महल तक भी और यहाँ से लाल चौक तक गया, सिक्योरिटी हर जगह बहुत सही है, बहुत टाइट है, बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा इनसिक्योर या ऐसा सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल भी मुझे कहीं पे भी ऐसा थ्रेट जैसा फील नहीं हुआ, बहुत ही सिक्योर प्लेस है। मैं अकेले आया हूँ, मैं सोलो, आई एम ट्रैवलिंग सोलो दिस टाइम। यस, हम किचन में ले जा रहे हैं आपको इनकी दिखाने कि खाने कैसे बनता है। ये किचन है, ये क्या क्या है जरा मुझे बताओ जी। मैम दाल मखनी है, कड़ी पकौड़ा है, दाल फ्राई है और मिक्स वेजिटेबल है और जो चना मसाला आ गया, ये शाही पनीर आ गया, वो राजमा आ गया। लोग ज्यादा क्या खाते हैं? लोग ज्यादा तो इधर फेमस है राजमा चावल और राजमा बटर फ्राई, राजमा फ्राई। और जे आ गया हमारा मटर पनीर और जे आ गया आलू गोभी आ गया हमारा और जे पालक पनीर आ गया। इसके बाद आ गया मैम ये बैंगन भरता आ गया। तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम लोग यही के नहीं नहीं हो? हम लोग उधमपुर के, डिस्ट्रिक्ट हमारी उधमपुर है, रहने वाले बरमीन के हैं, जम्मू के हो? हाँ जी। हम तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो कि इलेक्शन होनी अच्छी बात है या क्योंकि यंगस्टर हो तुम, नौजवान हो, तुम्हारा क्या मुद्दा है इस इलेक्शन में? इलेक्शन तो होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं होना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इलेक्शन होना अच्छी बात है। वोट दोगे? हाँ देंगे ना हम, वोट डालेंगे मैम, अपने गांव में जाएंगे डालेंगे। तुम्हें अपने नेता में क्या चाहिए, अब तुम्हारा नेता कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तुम खाना इतना अच्छा सर्व करते हो, बनाते हो, तो क्या क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए? नहीं मैम, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए और पढ़ना लिखा होना जरूरी है ना, जरूरी। हाँ जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी बेली जा रही हैं। आप लोग तो बाहर से हैं, आप लोकल हो? अरे पकड़ो से, कहाँ के हो? जम्मू से? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ उधमपुर। हाँ जी। वोट करते हो? हम वोट करते हैं ना, करते हो। तो नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नेता में क्वालिटी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ। काम करने वाला, हाँ? जो काम करके करो, जो काम करवाए। हाँ। ये पार्टी नहीं क्या है जो गरीबों को सुने। हाँ। अभी जो जैसे हालत है उसके बारे में क्या कहोगे? मतलब ठीक ही है, फिर बेटर है, पहले से बेटर, पहले से बेटर। हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है एक भटूरा, पहले उसकी उसको ऐसे लेके, और ये बना भटूरा। आहा, तो लोग नाश्ते में छोला भटूरा ज्यादा खाते हैं? जी सर, सबसे ज्यादा जी छोले भटूरे और जी। काफी बड़ा भटूरा है तुम्हारा? जी जी, हमारा है इतनी बड़े। और डोसा भी जाता है ब्रेकफास्ट में। हाँ। और क्या कहते हैं कि परोठे भी है, तंदूरी वाले तले हुए सारी चीजें खिलाते लोगों को? नहीं तले हुए, तंदूरी है तो तली हुई थोड़ा है, सूखी है। डोसा भी? आप कहाँ हो? मैं बिहार से। बिहार से यहाँ काम करने आए हो? जी जी। डर नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हो? नहीं। पीछे घर वाले कुछ नहीं पूछते? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। वैसे कहा जाए, हाँ आप बोल रहे थे सर। हाँ जी, हम बिहार के हैं। बिहार के? आप पहले से हालत ठीक है, पहले खराब था, आप ठीक है?
पहले से तो बहुत फर्क है। दरअसल यहाँ पर जो है काफी लोग बिहार से आते हैं काम करने के लिए, अलग अलग काम जो है वो करते हैं। दरअसल यहाँ पे जो एक किलिंग हुई थी, टारगेटेड किलिंग जो हुई थी, वो तब हुई थी जब यहाँ पर एक फॉरेन डेलीगेशन जो है वो आया हुआ था, और 21 मेंबर का वो डेलीगेशन था जब वो यहाँ पर पहुँचा था। उससे पहले यहाँ पर किलिंग हुई थी, उसके बाद जो हैं जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें लेकर जो चिंता है वो बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि हमने देखा कि कृष्णा ढाबा में भी बहुत सारी लेबर जो है वो बाहर की है, उनको लेकर भी सुरक्षा के जो चिंताएं हैं प्रशासन में भी हैं, क्योंकि ऐसी कई टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। बावजूद इसके कई लोग जो हैं वो अभी भी आकर यहाँ पर काम करना पसंद करते हैं और यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो कश्मीर की चुनावी डायरी में आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। क्योंकि सुरक्षा एक मुद्दा था इसलिए हमने सोचा कि आपको उससे भी रूबरू करवा दें। शुक्रिया दोस्तों।